जय हिंद, जय भारत। माय डियर फ्रेंड, रेडी हो आप? माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपको जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और ये टॉपिक है ना, आपसे ही संबंधित है कि जो आगामी सेना रैली बढ़ती आ रही है ना, उसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार हो या कैसे हो, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो माई डियर फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना करें। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में मार्च के बाद में बम्पर भर्ती आने वाली है। सेना रैली हो या टेरिटोरियल आर्मी हो या BSF, CSF, ITU, SSB, NRA, SM राइफल्स, कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए साल 2021 एक बहुत बेहतरीन वैकेंसीज लेके आ रहा है। क्योंकि 2020 से कोरोना में जो भी पेंडिंग वैकेंसी चल रही थी, वो वैकेंसी इस बार क्लियरली भरी जाएगी। माई डियर फ्रेंड, ये एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए एक ओकेशन है कि आप इसमें इसका बम्पर फ़ायदा उठा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा जो इंडियन आर्मी में जो तैयारी कर रहे हैं, हम भारतीय सेना में जाने का, जो जिन युवाओं का जो सपना है कि वो भारतीय सेना में जाकर अपने देश के लिए कुछ करें, अपने परिवार समाज के लिए कुछ करें, उनके लिए एक बेहतरीन ओकेशन है। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी, जिन युवाओं की 23+ एज हो गई है, उनके लिए एक बहुत ही शानदार ओकेशन है कि मार्च के बाद में टेरिटोरियल आर्मी बम्पर वैकेंसी जारी करने वाला है। टेरिटोरियल आर्मी में जोन 4 में, क्योंकि आजकल पूरे भारतवर्ष के लिए जोन वाइज भर्ती डिवाइड कर दी गई है, तो जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3 और जोन नंबर 4, यानी कि जितने भी 28-29 स्टेट्स हैं उनको 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं बात करता हूँ राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर, इन सब स्टेट्स की भर्ती है जो मार्च में आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है, क्योंकि मार्च के बाद में बहुत ही बम्पर वैकेंसीज यहाँ पे जारी करने वाली है भारतीय सेना, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज आने की संभावना है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेरी बात पर यकीन करते हो तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। अगर आप राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात के रहने वाले हैं, तो आपके लिए भर्ती देखना कोयम्बटूर तमिलनाडु, कन्नूर केरला, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश और बेलगांव कर्नाटका, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस रहते हैं सिलेक्टेड होने के। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैंने देखा है कई वैकेंसीज में कि यहाँ पे लड़के कम पहुँचते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे रनिंग का जो बेंच है वो कम बनता है, और रनिंग में बंदे ज़्यादा लिए जाते हैं, और रिटर्न के हिसाब से भी देखे जाए तो यहाँ पे बंदे फाइनली रिटर्न में बंदे कम बैठ पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप बेलगांव कर्नाटका और सिकंदराबाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश और कन्नूर केरला और कोयम्बटूर तमिलनाडु, यहाँ से अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देखते हैं, तो आपके 70% सिलेक्टेड मतलब चांस है यहाँ पे आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए। दूसरी बात मैं यहाँ करता हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी और आर्मी में क्या फ़र्क है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें कोई विशेष ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम एज ए आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी एक ही है, और इसकी भर्ती मार्च से आने वाली है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप सेना रैली में, अगर आप सेना में सेलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका हो सकता है। क्योंकि इंडियन आर्मी अब मार्च के बाद बहुत ही बम्पर भर्ती यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। तो आप अगर सेना रैली में जाना चाहते हैं, तो जिस जिस जगह पे रैली आएगी उसका मैं वीडियो अगले वीडियो में डालने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो डायरेक्ट आप तक पहुँचे। और किसी भी प्रकार की सेना संबंधी डॉक्यूमेंट से संबंधी अगला वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, और कैसे दौड़ें, क्या करना चाहिए, रनिंग से पहले क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको टिप्स देने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड, मेरे वीडियो को आगे से आगे देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे वाले जो जहाँ भी वैकेंसी होगी उसका वीडियो मैं डालने वाला हूँ, तो आप सबको पता चल जाएगी कहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।